राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को ओडिशा की दो दिवसीय यात्रा पर भुवनेश्वर पहुंची। राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद उनकी ये पहली ओडिशा यात्रा है। वहीं राष्ट्रपति के आगमन पर राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और अन्य अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की, जहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद वे भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलदेव और बहन देवी सुभद्रा का दर्शन करने के लिए विशेष हेलीकॉप्टर से पुरी के लिए रवाना हुई। इसी दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए करीब 2 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। इस दौरान मंदिर जाते समय श्रद्धालुओं ने राष्ट्रपति का अभिनंदन भी किया। बता दें कि जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर उनकी अगवानी मंदिर के मुख्य लोगों ने की, जिसके बाद 12वीं सदी में निर्मित मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए उनको लेकर जाया गया, जहां पर उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की। फिलहाल लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।